तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे पंकज गेमिंग हिंदी वाले दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं, जैसे कि एफ एस एन 20 के रिलेटेड और एफ एस एन 22 के, एफ एस एन 19 के रिलेटेड, और मोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आने वाले समय में मैं कुछ और भी गेम प्ले यहाँ पे डालूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग का राज चैनल। तो भाई लोगों का आज फिर से खेलेंगे फार्म गेम्स बैटल 22। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाकर फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज भाई हम जैसे देख सकते हैं भाई कि आपको पता ही था कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि भाई सितंबर में जो अपना बीट लगेगा, तो सितंबर का दिन चढ़ चुका है भाई, सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो तकरीबन भाई हम 10 बजे जाएंगे अपने खेत में, क्योंकि अभी थोड़ा सा गीला बना खेत में, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट भाई अपना काम स्टार्ट करेंगे, बीज लेट लगाएंगे सभी खेत में। तो आज जो भाई मैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाला हूँ आज अपने दोस्त के, जो भी ये मेरा भाई दोस्त है, सभी यहाँ के सभी रिश्ते मतलब रिश्तेदार रहते हैं हंस पड़ोस के, तो इनके ये सभी काम है भाई, तो ये पैसे भी दे रहे हैं भाई मुझे काम करने के। तो मेरे खेत में ये कर दो, रोटावेटर फेर दो, कल्टीवेटर कर दो। तो यहाँ पे जो 5 नंबर फील्ड है भाई, इसमें इसने कल्टीवेटर करवाना है, रोटावेटर या कल्टीवेटर या हैरो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि खेत को इसने भाई मतलब कि आप बोल सकते कल्टीवेटर करना है। 5 नंबर फील्ड है तो इसका देख लेते हैं एक बार भाई, 5 नंबर फील्ड कहाँ है? ये है 5 नंबर फील्ड। तो चलो कोई नहीं भाई, हम ऐसा करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे किसके मिल रहे हैं, काम भी थोड़ा सा हो। 15 नंबर फील्ड पे चलते हैं भाई, तो 15 नंबर का कर लेते हैं भाई एक्सपेक्ट। ये दादाजी कुछ नाम है भाई कुछ इनका, ये तो हम रोटावेटर फेर देते हैं भाई इनके खेत में। तो अब खेत जाके देखते हैं भाई, 15 नंबर खेत है तो नाट 11 ले चलते हैं। तो ये अपना दोस्त भाई इतने पैसे दे रहे थे भाई, 1300 कुछ तकरीबन, एक मिनट देखें तो हाँ भाई $1263। तो कल्टीवेटर करना भाई, जहाँ जो मर्जी करो यार, रोटावेटर उसको खेत है जो भाई कल्टीवेटर हुआ चाहिए, तो रोटावेटर फेरो या कुछ भी फेरो तो उनसे कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं उनके खेत में, पैसे जो हमने अभी तक भाई मतलब कि काम होने के बाद मिलेंगे, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। रोटावेटर भी भाई काफ़ी बड़ा है यार अपना, यहाँ से निकलेगा नहीं ये। अरे यार ये फंस गया भाई, अनफोल्ड ही कर लेते हैं यार। हो गया सही, चलो भाई जल्दी जल्दी पहुंचते हैं खेत में। अब जो इसको हटा ठीक कर लेते हैं फिर से, क्योंकि ये जगह टाइट है यहाँ से। और ये देखो भाई अपना खेत है, यहाँ पर हमने भाई कल्टीवेटर किया था, यहाँ घास वगैरह उग चुका है, क्योंकि आपको पता है सीजन सितंबर चल पड़ा है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है सीजन भाई, काफ़ी दिनों बाद चेंज हो रहा है पर मंथ, तो फिर अटकेगा। तो ये भाई इसका खेत है, तो कल्टीवेटर करना है जो मर्जी करो, रोटावेटर जैसे कि आप तो पहले कहा था भाई इसको खेत चाहिए अपना कंप्लीट, तो हम रोटावेटर फेर देते हैं भाई इसको खेत में। $1200 शाम को भाई मुर्गा पाड़ेंगे हम, जो भी अपनी कमाई होगी। रोटावेटर भाई दूसरे मीडियम में चलाते हैं, थोड़ा सा भाई दूसरे खेत में जा रहा है, सेंटर में रखते हैं पेड़ वगैरह देख के थोड़ा सा। तो गाने वाने लगा लेते हैं भाई, ट्रैक्टर में वूफर सुफर तो है ही आपको पता ही, जैसे भाई एक तो हिसाब सा रखना पड़ेगा भाई इसका। तो तीसरा मीडियम, तो देख सकते हैं यहाँ पे भाई प्रोसेसिंग भी हो रही होगी जब जितना इतना काम कर रहा हूँ। ये देखो 14% कंप्लीट कर दिया इसका,
इसने मुझे जो कॉन्ट्रैक्टर दिया कि भाई खेत कल्टीवेट करो और अपना इतना पैसा बनता ले जाओ, तो वही काम कर रहे हैं हम। और खेत भी काफ़ी लंबा है देख सकते हैं, इतने पैसे तो बनने थे भाई, तेल भी लगना है ट्रैक्टर का कि नहीं। साइड साइड से कोने रह गए यार, भाई कोने सोने से लगाए ताकि अगली बार भी बंदा जो बुलाए हमें, भाई बुलाए हमें। नाट कह रहा भाई, नाट कह रहा है, ये देखो स्पीड देखो भाई रूटावेटर की। तो यहाँ से थोड़ा सा भाई गड़बड़ है, थोड़ा सा बाहर को मोड़ के तो सेंटर में रखते हैं भाई थोड़ा सा हम। ये वो कोने सोने में लगा लेते हैं भाई, एक गेड़ा रह गया मेरे ख्याल से। 73% कंप्लीट हो चुका है भाई साइड में जो हमें दिख भी रहा है। पर एक गेड़ा और लगेगा, तो रिवर्स करके भाई जो जो रहता है उसको कोना को लगा लेते हैं, ऐसे बिल्कुल दुकान के साथ है। चल ये तो मेरे ख्याल से एक गेड़े में हो जाएगा भाई ये। चलो कोई नहीं, ऐसा करते भाई एक और गेड़ा लगा लेंगे।
तो लो भाई भी उसका जो खेत कर दिया खत्म अपने पड़ोसी का। चल 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 अब थोड़ा ट्रैक्टर लोड दे रहा है क्योंकि भाई पहले से बाया अब कल्टीवेटर किया है ये खेत उस वजह से मिट्टी देखो भाई कैसे उठा उठा के मार रहा है। लो भाई ये तो कर दिया भाई कंप्लीट, यहां से एक कोना लगा के तो खेत खत्म। लो भाई फिनिश, तो भाई ये कर दिया खेत फिनिश और पैसे पकड़ते हैं भाई बंदे से। तो लो भाई कंप्लीट हो चुका है और भाई कॉन्ट्रैक्ट $1,263 टोटल मुझे मिल चुके हैं तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब 5 नंबर फील्ड है जो भाई उसको भी पकड़ लेते हैं तो ये बंदे का कॉन्ट्रैक्ट। तो चलते हैं भाई इसके 5 नंबर फील्ड है ना भाई 5 नंबर फील्ड है तो मेरे घर के पास ही है, एक मिनट चेक ही कर लेते हैं यार। ये 5 नंबर तो रास्ता तो भाई ये सही है तो रूटा बेटा अटकेगा और नहीं कुछ भी। निकल गया और अपना भाई खेत में फिर से भाई मुझे लग रहा है रूटा बेटर फेरना पड़ेगा, घास वगैरह इसमें भी आ चुका है यार। ये भी खेत एक रास्ता ये गया है, यहाँ से निकलते हैं। हाँ यही है भाई 5 नंबर सामने खेत दिख भी रहा है मुझे, छोटा सा खेत है ये है। तो उसने फसल वगैरह काट रखी थी मेरे ख्याल से, क्या लगा था कैनोला लगी थी भाई, काट दी है तो अब जो है कि रूटा वूटर मेरे से करवाएगा। ठीक है भाई करते हैं स्टार्ट। तीसरे लो मीडियम में लगा के रखा है ट्रैक्टर। दबता भाई ट्रैक्टर मोड़ पे दबता क्योंकि रूटावेटर जो काफी वेट वाला है भाई ये। मैं सोच रहा हूँ भाई कि स्पीकर वगैरह उतार दूं यार क्योंकि पीछे देखने में काफी प्रॉब्लम आती है यार। भाई गेड़ा कुछ लंबा लगा दिया मैंने, पेड़ 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 से बच के लग गया लग गया लग गया लग गया। भाई अपने जो काम है तो आपको बताए थोड़ा सा ही काम है यार, लोगों के करने पड़ेगा भाई ऐसे ही काम चलेगा। क्योंकि आपको पता ये थोड़ा सा भाई अपना काम है, खेत चार पांच भाई मेरे ख्याल 2 दिन के लिए हैं मिला के, तो लोगों के भाई काम कर करके थोड़ा सा और भी फील्ड बाय कर लेंगे हम।
इससे इसने थोड़े कम ही डॉलर देने हैं क्योंकि भाई खेत भी छोटा है। तो 9:09 हो चुके हैं भाई, एक आधा और किसी का देख लेते हैं बाद में, तो फिर अपना भाई बीट वगैरह लगाएंगे। बेल भाई मैंने सोचा बेले हैं भाई, क्या करें, ऐसे लोगों का काम ही कर लें, चार पैसे बनेंगे। चलो कोई नहीं भाई, बने जो भी। लो भाई, खेत से बाहर निकलने के बाद पैसे पकड़ते हैं बंदे से, तो मैं घर भी इधर से निकल जाऊंगा क्योंकि भाई उस तरफ से थोड़ा सा पेड़ वगैरह अटकते हैं। कहाँ गया बंदा, 5 नंबर वाला। ये कंप्लीट हो गया भाई, $362। शाम का मुर्गे का भाई और बोतल का इंतजाम हो चुका है। अब चलते हैं जल्दी जल्दी घर में और निकलते हैं भाई अपना जो फसल लगाते हैं खेतों में। बारिश का मौसम लग रहा है भाई अभी, मुझे हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। ये भी अपना खेत है भाई, इसको फिर से रूटावेटर करके ना भाई, इस पर अपना खेत है ये, तो इसमें फिर से रूटावेटर करके तो भाई इसमें फिर बीट लगाएंगे। और दूसरे खेत में तो भाई फिर से मतलब कि घास वगैरह वो उग चुका है, पत्थर वगैरह भी है भाई इसमें थोड़े से। गड़बड़ हो गई, ओके भाई। तो आज भाई तेल पानी भी चेक करना पड़ेगा, तो भाई अगली वीडियो में देखेंगे कि अपने भाई कौन कौन सी फसल लगती है, वैसे लगेगी बीटी। तो आज की वीडियो में इतना ही कॉन्ट्रैक्ट हमने भाई मतलब कि आज किया है, धीरे धीरे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट है भाई लोगों की फसल है। देखना भी एक मिनट दिखा देता हूँ क्या क्या करना है, ये भी बता देता हूँ लोगों का। कल्टीवेटर है यहाँ पर भाई, फर्टिलाइज़र करना है, हार्वेस्टिंग भाई एक बंदे का खेत है उसको काटना है 195, जो लड़की है भाई जरूर जाएंगे, सो वोइंग भाई कुछ नाम है, तो ये मेरे ख्याल से सीडिंग का है। स्प्रेइंग करनी है भाई, तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है मुझे भाई कंप्लीट करने हैं लोगों के। तो ये मेरा मतलब कि समझ सकते हो कि टैबलेट है भाई ये, और मेरे मोबाइल में जो भी बंदा फ़ोन करता है कि और भाई सीधा मैसेज आ जाता है। तो ये देख सकते हैं ये लड़की का ये मैसेज आया मुझे, ये अंकल का है माइकल का, और इनका जो है भाई खेत है जो 17 नंबर है, 835 जो उन्होंने ऑफर दिया है, फील्ड नंबर 17 है, और इसमें करना है भाई इन्होंने कल्टीवेटर। तो ऐसे ही भाई काफ़ी सारे ऑफर हैं मुझे, करेंगे भाई धीरे धीरे काम स्टार्ट। तो आज की भाई वीडियो में इतना ही, और कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में बताओ, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो लेके, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।